तो दोस्तों आपका स्वागत है टू WWE 2K19 जहां पे हम लोग कर रहे हैं रॉयल रंबल 2019 के प्रिडिक्शंस। आई होप आपको मजा आएगा। सबसे पहले तो धमाकेदार लाइक ठोकना ना भूलिए फॉर मोर एपिसोड्स। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में हमने किया था ब्रॉक लेसनर वर्सेस फिन बैलर, लेकिन आज जिस मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो होगा द 30 मैन रॉयल रंबल मैच। 30 सुपरस्टार्स फ्रॉम रॉ एंड स्मैकडाउन सब के सब लड़ेंगे एक रिंग के अंदर, एंड जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा इस रिंग के अंदर वो बन जाएगा रॉयल रंबल का चैंपियन, एंड उसको मिलेगा सीधा अपॉर्चुनिटी ऑन रेसलमेनिया टू चैलेंज द WWE चैंपियन और द यूनिवर्सल चैंपियन। क्या बात है। तो ये 30 सुपरस्टार्स, उसमें से 20 सुपरस्टार्स कंफर्म हो चुके हैं। नंबर 30 एंट्रेंट कंफर्म्ड है, वो होगा आर्ट्रूथ। क्यों? क्योंकि वो जीता था कार्मेला के साथ द मिक्स मैच चैलेंज, तो उन दोनों को 30 नंबर वाली पोजीशन मिल चुकी है ऑन देयर रिस्पेक्टिव रॉयल रंबल्स। तो रॉयल रंबल हर समय से एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है, तो कुछ स्पेशल एंट्रीज होती है, कुछ स्पेशल कमबैक्स होते हैं, कुछ नए सुपरस्टार्स। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? मुझे लगता है फैन फेवरेट्स इस बार होंगे जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर, रे मिस्टीरियो, लेकिन अब जॉन सीना के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं विद द एंकल इंजरी। एंड स्पेशल एंट्रीज इस साल क्या हो सकती है? मुझे लगता है बटिस्टा आ सकता है, क्या पता शॉन माइकल्स, द रॉक। आपको क्या लगता है क्या होगा इस रॉयल रंबल मैच में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई बटन पे वोट कर सकते हैं आप अपने फेवरेट सुपरस्टार के लिए, एंड आपको क्या लगता है कौन से होंगे स्पेशल एंट्रीज वो भी जरूर बताना मुझे कमेंट्स में। हम चलते हैं सीधा उस 30 मैन रॉयल रंबल मैच की तरफ, लेट्स गो। तो दोस्तों आपका स्वागत है टू रॉयल रंबल, एंड सबसे पहला एंट्रेंट होगा शिंसुके नाकामुरा। भाई पिछले साल का रॉयल रंबल जीता था इसने, एंड इस बार नंबर वन पोजीशन पे आ रहा है। क्या पूरा सरवाइव कर पाएगा ये बंदा? क्या लास्ट तक टिक पाएगा? क्या दोबारा बैक टू बैक रॉयल रंबल जीत सकता है ये? कोई नहीं जानता, बहुत टफ काम होने वाला है। बहुत कम रेसलर्स है जो शुरुआत में आते हैं एंड पूरा रंबल जीत जाते हैं। एंड नंबर टू एंट्री होगी जॉन सीना की, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट नंबर सेकंड पे आ रहा है। बहुत टफ होने वाला है इसके लिए भी। इस रंबल के लिए जॉन सीना सबका फेवरेट है, लेकिन ड्यू टू एन एंकल इंजरी इसके चांसेस अब थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन क्या पता सीना काफी एंड में आए एंड वो कमाल कर जाए, उसको वो टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल जाए ऑन रेसलमेनिया। कमाल के मैचअप होंगे उस समय। तो रंबल स्टार्ट करेंगे नाकामुरा एंड जॉन सीना। यहाँ पे शोल्डर टैकल आया जॉन सीना की तरफ से। दोनों ही खतरनाक रेसलर्स एंड पहले भी रंबल जीत चुके हैं। नाकामुरा जीता पिछले साल का रॉयल रंबल, सीना दो बार रॉयल रंबल जीत चुका है। तो 30 लोग एंटर करेंगे ऑन फिक्स इंटरवल्स, जब तक कि 30 के 30 इस रिंग को भरना दे, एंड एक ही तरीका एलिमिनेट करने का, ओवर द टॉप रोप एलिमिनेशन। टॉप रोप, तीसरी रोप के ऊपर से बाहर फेंकना है रेसलर को टू एलिमिनेट हिम, एंड आखिरी बचने वाला बन जाएगा इस मैच का विनर। बहुत ही एपिक मैच होता है यहाँ पे, बड़े बड़े सुपरस्टार्स निकल के आते हैं एंड अपना टैलेंट दिखा जाता है यहाँ पे। नाकामुरा यहाँ पे तबाही मचाता हुआ सीना के ऊपर, अगले एंट्रेंट का वेट करते हुए तब तक दोनों एक दूसरे को वीक करने में लगे। वीक करके फेंकना ही एक तरीका बन जाएगा इसमें। क्या किक मारी है नाकामुरा पे फटाक से जॉन सीना ने, पेट पे वार करते हुए आयरिश व्हिप एंड शोल्डर टैकल पूरा मिस। दोनों का सर घूम चुका है एंड नाकामुरा अपनी फुर्ती दिखाते हुए हर मूव को डॉज करते हुए ले जा रहा है। सर पीटा उसने ऑन टू द कॉर्नर रोप, वहीं पे दबोचने की कोशिश, लेकिन टांग की वार को रोका एंड अब सीना ने अटैक करना चालू कर दिया वहां पे। टॉप रोप एलिमिनेशन करने की कोशिश फ्रॉम द कॉर्नर, लेकिन सीना स्ट्रगलिंग एंड नाकामुरा के अंदर अभी बहुत एनर्जी। काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, एंड नंबर थ्री पे बिग ई फ्रॉम न्यू डे। बिग ई नंबर थ्री पे आता हुआ एक सुपर हैवी वेट यहाँ पे तहलका मचा सकता है। बिग ई ने अंदर आते टॉन्ट मारा है नाकामुरा को, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नाकामुरा अब बिग ई का शिकार बनते हुए, जो लोग बाद में आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो लोग बिल्कुल फ्रेश आते हैं और सारे रेसलर्स पिटे हुए। तो आर्ट्रूथ की तो चांदी हो चुकी है, नंबर 30 पे आ रहा है, उसका तो पक्का है नंबर 30 पे आना। एंड सीना कोना पकड़ चुका है रिकवरी करते हुए आराम से, जहाँ पे नाकामुरा एंड बिग ई लड़ रहे। नाकामुरा के पास फिनिशिंग मूव आ चुका है, उसने बंदे को कोने में लटकाया एंड फिनिशिंग मूव लगा दिया।
लुक एट दैट एक्सप्लोडर सुप्लेक्स के साथ उसने बाहर कर दिया। सीना पीछे से आया विद अ बेली टू बेली स्लैम। सीना फायदा उठा गया इस चीज का एंड नाकामुरा को चित कर गया। बिगी जो अभी आया था एलिमिनेट हो चुका है एंड सिग्नेचर मूव यू कांट सी मी फाइव नकल शफल बूम। सीना ने मूव तोड़ा ला यहां पे नाकामुरा को, उसके पास फिनिशिंग मूव आ चुका है। क्या करेगा अब जॉन सीना? तबाही मचाते हुए बाहर की तरफ पटका उसने एंड नाकामुरा लटक चुका है ऑन द रोप्स। अंदर आ गया बहुत ही फुर्ती के साथ। इतना आसान भी नहीं होगा सबको एलिमिनेट करना यहाँ पे। अपोलो क्रूज और नंबर फोर एंट्री। नाकामुरा यहाँ पे तबाही मचा रहा है, मुक्को पे मुक्को बजाने की कोशिश। सीना रिवर्सल करते हुए एंड शोल्डर टैकल के साथ डाउन। अपोलो क्रूज अंदर आते ही नाचने लगा एंड सीना उस पे लूथेस प्रेस की बारिश करते हुए। ले भाई दे धनादन, मुक्के पे मुक्का, मुक्के पे मुक्का, धक्का मुक्की चलते रहेगी भाई। रिंग को भरना भी मुश्किल है, जब तक रेसलर्स टिकेंगे नहीं रिंग भरेगा नहीं। अपोलो क्रूज उस साइड में एंड सीना बिल्कुल जोश में। लगता नहीं वो इंजरीज को इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही है यहाँ पे। वो तबाही मचा रहा चारों तरफ, पीछे से उठा के बिल्कुल दूसरी तरफ पटक दिया। नाकामुरा पूरा टाइम लेते हुए टू रिकवर, बहुत अच्छा कर रहे हैं नंबर वन एंड नंबर टू एंट्रीज अभी तक। एंड पूरी ताकत का प्रदर्शन देते हुए जॉन सीना इधर से उधर सबको पटक चुका है। नाकामुरा हम तक पीछे से अटैक करने की कोशिश में, बट इज डाउन अगेन। बूम पड़ी पेट पे लात, एक मुक्का बंदा कोने में एंड यहाँ पे एलिमिनेशन स्टार्ट। लेकिन आराम से अपोलो क्रूज ने मारा है यहाँ पे रिवर्सल एंड निकला उस होल्ड में से बाहर, मुक्का उल्टा हमारी तरफ। अपोलो क्रूज क्या घुमा के मारा है, क्या घुमा के मारा है। एंड अब नाकामुरा एंड अपोलो के बीच में लड़ाई होने लगी है। नाकामुरा के हाई किक्स, द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल एंड काउंटडाउन फिर चालू यहाँ। 3, 2, 1 नंबर फेल पे आ रहा है जिंदर महल, इंडिया का शेर। ये हुई ना बात, जिंदर महल अंदर आ चुका है नंबर 5 पे एंड क्या पिटाई चल रही है वहां पे नाकामुरा की। अपोलो क्रूज सीधा जिंदर महल की तरफ। महल ने बहुत बड़ी गलती की यहां पे, अंदर आके टॉन्ट मारने लगा सबको। सर पकड़ लिया यहाँ पे आयरिश व्हिप एंड जिंदर महल विद द रिवर्सल नी टू द गट एंड अब सीना को घसीटने लगा है जिंदर महल। क्या वो उसको एलिमिनेट कर पाएगा? वो भागते हुए आ रहे हैं लेकिन सीना ने क्या जबरदस्त रिवर्सल किया है, बाहर हो चुका है जिंदर महल एक ही मूव में। सीना के पास दो फिनिशिंग मूव्स। अपोलो क्रूज यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ हमारे अगेंस्ट। व्हाट अ नी टू द फेस। नाकामुरा डाउन, अपोलो क्रूज उठने की कोशिश में एंड कोने की तरफ धकेल दिया उसको। उठाने की कोशिश थी, अपोलो क्रूज बहुत तेज बन रहा है यहाँ पे एंड एक ही बैक सुप्लेक्स के साथ चित कर दिया। सीना इन ट्रबल, उसकी हालत बहुत खराब है लेकिन वो अपने रिवर्सल कमाल का यूज करते हुए फेंका उसने अपोलो क्रूज को सिर्फ। नाकामुरा पीछे से अटैक करने लगा है, वाई दो लोग एक साथ अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। अपोलो क्रूज बीच में आ गया एंड उसने नाकामुरा को पकड़ लिया। ओ ओप्स यहाँ पे रेजिलेंसी यूज करनी पड़ेगी मुझको एंड एक फिनिशिंग मूव यूज कर लिया हमने। नाकामुरा का सर फाड़ दिया। नंबर 6 पे बैरन कॉर्बिन, कांस्टेबल बैरन आ चुका है अंदर। नाकामुरा पे चढ़ पड़े हम लोग। नाकामुरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है भाई, उसको बाहर करना पड़ेगा किसी तरह। लेकिन बैरन कॉर्बिन ने अंदर आते तहलका मचा दिया। सीना यहाँ पे पेट पे वार करते हुए दे धनादन। बैरन कॉर्बिन गलत पंगा लिया तूने, उसने बाहर लटका दिया गया उसको, तो प्यार से लटका दिया। ये पड़ा पंच लेकिन बैरन कॉर्बिन स्ट्रगल करते हुए अंदर बैक इनटू द रिंग। यहाँ पे इनटू द एफयू एटीट्यूड एडजस्टमेंट बाय जॉन सीना। पहला फिनिशिंग मूव उसकी तरफ से एंड आयरिश व्हिप करते हुए कोने में नाकामुरा डिस्टर्ब करते हुए हमको एंड रिवर्स एक्सप्लोडर सुप्लेक्स। कमाल का सिग्नेचर मूव बाय नाकामुरा। ही इज गोइंग फॉर हिज फिनिशिंग मूव। सीना माइट बी इन ट्रबल लेकिन पीछे से थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हुआ।
नाकामुरा, लेकिन हमें छोड़ने वालों में से नहीं, पटक दिया उसने। एक तरह का एटीट्यूड एडजस्टमेंट हमारे ऊपर, एंड सीना ने पकड़ लिया है छोटा सा कोना। बैरन कॉर्बिन ने अब पीछे से आके तहलका मचाया। जो भी एंटर करता है रिंग को वो सबको पीटता है करके भाई। एंड बैरन कॉर्बिन भागते हुए था, बिग पंच नाकामुरा को नॉक आउट। फिर दोबारा काउंटडाउन स्टार्ट, कौन आएगा नंबर 7 पे? वी सी बैटिस्टा द एनिमल, ही रिटर्न्स। क्या ये पॉसिबल है आप लोग बताओ? बैटिस्टा इन द रिंग, हो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी छोड़ के वापस से WWE में। एंड लुक एट दैट बैरन कॉर्बिन, क्या गजब की डीडीटी मारी उसने। बैटिस्टा वहीं पे चेत, लेकिन अचानक से सीना की तरफ उसने नजर मोड़ा। बैरन कॉर्बिन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, रोप्स का यूज कर रहा है वो, पीछे की तरफ पटक दिया उसने हमको। ओ, बैटिस्टा एलिमिनेटेड बाय अपोलो क्रूज, बहुत जल्दी एलिमिनेशन हो गया उसका। तो ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। सीना फाइट्स बैक अगेंस्ट अपोलो क्रूज, अपोलो क्रूज फाइट्स बैक, एंड उधर ताकत देखिए, पावर बॉम्ब के साथ बाहर कर दिया उसने नाकामुरा को। बैरन कॉर्बिन एंड अपोलो क्रूज तहलका मचाते हुए ओवर दी पुराने वेटरन सुपरस्टार्स। एंड ये नॉकआउट पंच आउट ऑफ नोवेयर, बैरन कॉर्बिन आज अपनी ताकत दिखा के जाएगा। बिल्कुल नया रूप ले लिया उसने अपने तरफ से। जॉन सीना स्ट्रगल करते हुए सबके अगेंस्ट, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग। अपोलो क्रूज ने उसको साइड में फेंका, एंड दे मार गुद्दी पे, दे धनादन पंच पे पंच, एंड पीछे की तरफ, ओ राइट इनटू द कॉर्नर। काउंटडाउन फिर स्टार्ट, कौन आएगा इस बार? एंड नंबर 8 पे एंड्रादे सीएन अल्मास, एक और लुचाडोर कमाल कर सकता है ये बंदा। एंड्रादे की तरफ नजर मोड़ी सीना ने, अंदर आते तोड़ दिया। लो भाई, आज धमाका होके रहेगा। सीना बहुत गुस्से में, एटीट्यूड एडजस्टमेंट अंदर आते ही सीएन को वहीं पे इसने धो डाला है। बैरन कॉर्बिन कुछ ज्यादा कांड करते हुए यहाँ पे सीना ने उसको पीछे से पकड़ा है, राइट इन टू द कॉर्नर, उसकी गर्दन मरोड़ी। यहाँ पे करना पड़ेगा आज इसका कांड। फिनिशिंग मूव लगाया सीना ने, लेकिन पूरा रिवर्सल एंड उल्टा, यहाँ पे जॉन सीना को एलिमिनेट कर दिया गया। बहुत स्मार्ट खेला है यहाँ पे अपना कॉर्बिन। बड़े बड़े सुपरस्टार्स एलिमिनेट हो रहे हैं, कोई किसी को टिकने ही नहीं दे रहा। हम लोग नंबर 11 लेंगे यहाँ से, लेकिन क्या ताकत दिखाई है क्रूज ने, तीन पावर बॉम्ब लगातार, लेकिन कॉर्बिन ने जो तहलका मचाया है। फिर दोबारा टॉप रोप की तरफ ले गया वो, बहुत प्यार से वो लोगों को एलिमिनेट कर रहा है, अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए पटक रहा है लोगों को टॉप रोप से ऊपर। यहाँ पे स्ट्रगल चालू है, क्रूज पूरी कोशिश करता हुआ, एंड वो जीत गया उस स्ट्रगल को। वापस अंदर से कॉर्बिन को अटैक करने लगा, एंड्रादे पीछे आराम करते हुए, एंड अब उसकी नजर पड़ी ऑन क्रूज, लेकिन अपोलो क्रूज मिस्टर वर्ल्ड वाइड ले भाई दे धनादन मुंह पे। एंड काउंटडाउन फिर चालू यहाँ पे, 3, 2, 1, कौन आएगा? मुस्तफा अली और नंबर 9 द क्रूजर वेट, जो तहलका मचा रहा है ऑन WWE, अंदर आ चुका है। अंदर आते ही उसने सीधा एंड्रादे को मारना स्टार्ट किया। बैरन कॉर्बिन को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट करने का, क्योंकि अपोलो क्रूज उस पर चढ़ चुका है। चार सुपरस्टार अभी रिंग के अंदर, एंड धीरे धीरे और आते रहेंगे। अली के लिए यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन की बात, क्योंकि वो नेगेटिव मोमेंटम में चला गया है। एंड्रादे अल्मास उस पर टूट पड़ा है, बरसात कर दिए मुक्के घूसे और चाटों की। व्हाट अ पार्टी बाय अपोलो क्रूज ऑन द अदर साइड। ये है रॉयल रंबल का टोटल केओस, चारों तरफ का भाई। एंड एंड्रादे एलिमिनेट करने की कोशिश में क्रूज की, अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि दो दो लोग एक साथ मिलके किसी को एलिमिनेट कर रहे हैं, किसी की केमिस्ट्री एक दूसरे से बन नहीं रही है। लेकिन एंड्रादे बहुत बहुत ज्यादा ताकत लगाते हुए आखिरकार उसने अपोलो क्रूज को एलिमिनेट कर दिया। एंड्रादे सांस लेता हुआ, एंड मुस्तफा अली एक ही बार में, एक ही क्लोज लाइन में रिंग से बाहर, सरवाइव करने का मौका ही नहीं दिया उसको। अपना लोन वुल्फ बैरन कॉर्बिन कमाल करते हुए सब कुछ रिवर्सल करते हुए अल्मास को अब एलिमिनेट करने की कोशिश। कितने एलिमिनेशन कर चुका है अभी तक बैरन, लुक एट दैट, पूरी स्ट्रगल चालू है। एंड्रादे ऑन द टॉप रोप,
रेस्ट करता हुआ, लेकिन काउंटडाउन भी चालू, कौन आएगा? एंड नंबर 10 पे परफेक्ट 10 टाई डिलिंजर, 10 10 10, अंदर आते ही उसकी चुटिया घूम रही है यहाँ पे, अंदर आते विद अ बिग पुश ऑन बैरन, एंड टाई डिलिंजर बस देख ही रहा है, परफेक्ट 10 ही, ये परफेक्ट ही बाहर जाएगा मुझे लगता है। अलमास ने छोटा सा रेस्ट लिया वहाँ कोने में, एंड उसी के साथ थोड़ा टॉन्ट भी दिया उसने लोगों को। What a German suplex, perfection देखने को मिला हमें यहाँ पे। टाई डिलिंजर उठ के पहला वार करते हुए, लेकिन अंड्राडे बहुत ही तेज उसके लिए, उसने पूरे मूव को ऐसा काउंटर किया, हाथ पकड़ के डीडीटी, अंड्राडे का सुपर मूव यहाँ पे, ऐसा धमाकेदार डीडीटी आपको कहीं और नहीं दिखेगा, पूरा हाथ फोल्ड करके कोने में रखा, परफेक्ट 10 की बूट पड़ी उसके मुंह पे, एंड वापस से वो कोने में, अपने बैरन के लिए अच्छा है वो तब तक रेस्ट मार सकता है। ओहो ओहो, टाई डिलिंजर इन डेंजर, परफेक्ट एलिमिनेशन होने वाला है उसके ऊपर, क्या वो बच पाएगा? ओ क्या एल्बो मारा टू काउंटर हिम, एंड बैरन कॉर्बिन पीछे से अटैक करने लगा। अब थोड़ा सा टॉन्ट मारने का समय आया डिलिंजर के पास, वो भी कोने में जाके बैठा, एंड देखिए अब तो टॉप रोप पे बैठ गया, इतना नहीं चलेगा भैया, क्योंकि नंबर 11 पे आ रहे हैं हम, एंड टाइमर खत्म, सेट फ्रीकिंग रॉलिंस द किंगस्लेयर द आर्किटेक्ट, सेट रॉलिंस नंबर 11 पोजीशन में, सीधा उसकी नजर गई है बैरन कॉर्बिन पे, जिसको लगी है चोट, उसी को पकड़ पकड़ के मारेगा, एक और फैन फेवरेट जो ये जीत सकता है पूरा रंबल, लेकिन काउंटर्ड बाय बैरन कॉर्बिन, कॉर्बिन का चोक स्लैम, लेकिन ये किया रिवर्सल, लेकिन बिग बूट सीधा मेरे मुंह पे, वहां पे कोने में एलिमिनेशन चालू है, सेथ रॉलिंस को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा जॉब ब्रेकर, एंड एक ही बड़े से क्लोज लाइन के साथ बंदा बाहर, स्विंग ब्लेड के साथ बंदा नीचे, इस पे भी स्विंग ब्लेड, एंड तहलका मचा दिया अपने रॉलिंस ने यहाँ पे, सबको चेक कर दिया एक एक कोने में, बूम लात पड़ी, एक और लात पड़ी, फिनिशिंग मूव हमारे पास है, ये हुई ना बात, टाइटल इंजर विद द रिवर्सल एंड रिवर्स डीडीटी यहाँ पे, जो सारा मोमेंटम होता है एक बंदा बिल्कुल ठंडा कर देता है। ओहो ओहो, मेरे पास रिवर्सल्स नहीं है यहाँ पे, हमें थोड़ी सी पिटाई लेनी पड़ेगी डिलिंजर के हाथ, एंड ही विल ट्राई टू एलिमिनेट अस, फिनिशिंग मूव लगा दिया उसने, सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर दिया, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, नंबर 13 पे हम लोग टेक ओवर करेंगे, लोगों के पास फिनिशिंग मूव ऐसे खतरनाक है, वो अंदर आते ही हमें एलिमिनेट कर दे रहे हैं, जो पहले से खेल रहे हैं उनके पास ये एडवांटेज है कि वो मोमेंटम बढ़ा चुके हैं, उनके पास फिनिशिंग मूव्स है टू एलिमिनेट अस, खतरा हमें मापना पड़ेगा सही से, सेथ रॉलिंस का यही पे खेल खत्म, लेकिन नंबर 12 पे वी हैव एलायस, वॉक विद एलायस, अलमास ने क्या घूम के मारा यार, क्या काटमील मारी उसने बीच में, एलायस इंटरप्ट करते हुए एंड पिटा, बहुत ही अच्छी नॉर्दर्न लाइट सुप्लेक्स, एंड लाख पड़ी पीठ पे, अलमास के पास एक और फिनिशिंग मूव, विल ही गो फॉर हिज सिग्नेचर डीडीटी मूव, यस ही इज, फोल्ड किया उसने आर्म एंड डीडीटी, सर फोड़ दिया एलायस का, अलमास कमाल करते हुए यहाँ पे, एंड उठा लिया, क्या घुमा के, क्या मॉडिफाइड सुप्लेक्सेस एंड पावर बॉम्ब्स दे रहे हैं अलमास, कमाल का रेसलर निकल के आया हमारे इस WWE यूनिवर्स में। एलायस अंदर आते स्ट्रगल करता हुआ कोना पकड़ लिया उसने, उसके साथ उसका गिटार नहीं तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही लगता है मुझे, ये पड़ा पीठ पे डबल एक्स हैंडल, सेट का रन बहुत ही छोटा निकला यहाँ पे यार, लेकिन अलमास को देख सकते हैं पावर बॉम्ब देते हुए कमाल का, रनिंग पावर बॉम्ब इन टू द कॉर्नर, टाई डिलिंजर के पास पूरा टाइम टू रिकवर, एंड अब अलमास ने घसीटना स्टार्ट कर दिया, ये पड़ी लात सीधा जंग पे, ये पकड़ा हाथ, एंड फिर ताकत भी दिखाते हुए पीछे की तरफ, क्या धमाकेदार सुप्लेक्सेस है इस बंदे के आर्सेनल में, एंड काउंट डाउन चालू, नंबर 13 पे ब्रॉन स्ट्रोमन द मॉन्स्टर अमंग मेन, ये हुई ना बात, उसको चैंपियनशिप मैच से जरूर निकाल दिया होगा, लेकिन वो रॉयल रंबल में एंट्री मार चुका है,
इस बंदे का पक्का नहीं है वैसे हमें, लेकिन यहाँ पे अंदर आते ही उसने तहलका मचाने की कोशिश की। बूम, पत्थर की तरह, दीवार की तरह टकरा गया वो सब पे। ओ, अचानक से यहाँ पे एटॉमिक बस्टर, अल्लाह इसने हमारी थोड़ी मदद की, वो घसीट के ले गया टाई डेलिंजर को पीछे की तरफ। यहाँ पे दो लोग मिलके एलिमिनेशन कर सकते हैं चाहे तो। अल्लाह इस पटक गया टाई डेलिंजर को, यहाँ पे दे धनाधन मुक्कों की बरसात, लेकिन स्ट्रोमैन वीक पड़ रहा है, झाप पड़ दिया उसने, झाप पड़ क्या गूंजा, बहुत ही अच्छा स्कूप स्लैम। अब स्ट्रोमैन की वाट लगेगी क्योंकि उस पर सब लोग कंसंट्रेट करेंगे, जो सबसे बड़े हैवी वेट्स आते हैं उन पे सब के सब लोग चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वन ऑन वन मैचअप हो चुका है, कोई और रिंग में था ही नहीं। सिग्नेचर मूव मारने की कोशिश, लो ब्लो मारने की कोशिश, बेटे की जान क्या पंचेस पड़ रही यहाँ वहां से, सर घुमा दिया। स्ट्रोमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, फिस्ट ऑफ फ्यूरी लगा लिया था उसने, लेकिन पलट दिया गया उसको। सब लोग खतरनाक स्ट्रगल मारते हुए, सबको चाहिए वो नंबर वन पोजिशन। काउंटडाउन चालू, नंबर 14 पे कौन आएगा? स्ट्रोमैन के हाथ को, गेट दीज हैंड्स को तोड़ते हुए टाइटस ओनील, क्या फिर दोबारा वो रिंग के नीचे घुसेगा? नहीं, इस बार सही जगह आया, रिंग के ऊपर आया, टाइटस ओनील टकरा गया हमसे, अल्लाह इसको पीछे से पकड़ा, टांग तोड़ी उसकी। स्ट्रोमैन भाई सब पे तबाही मचाते हुए टाइटस ओनील के मुंह पे लात, गजब की लात, पेट में दिया एक बड़ा सा लात, एंड क्या उठाया, ताकत देखिए स्ट्रोमैन की, होल्ड करके रखा उसने इतने देर तक, एंड पटक दिया दूसरी तरफ। अलास पीछे से फायदा उठा गया विद द रिवर्स नेक ब्रेकर, एंड हमें लेना पड़ा एक छोटा सा कोना यहाँ पे। टाइटस ओनील जो अपना मजाक बना चुका है भाई, बच के रहना पड़ेगा इससे, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल ना बना दे ये अपने लिए इसको। एलायस घुटना यूज करते हुए ओनील के ऊपर, एंड उसके पास सिग्नेचर मूव आ चुका है, तो अब हमें बच के रहना पड़ेगा एलायस से, उसको सबसे पहले एलिमिनेट करो कुछ भी हो जाए। और ताकत देखिए इस बंदे की, ले गया भैया ले गया, मैं इसकी मदद करने वाला हूँ, यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता है आराम से। एलायस हैज बीन एलिमिनेटेड, क्या बात है, दो बड़े बड़े लंबे चौड़े लोगों ने एलायस को बाहर निकाल दिया, एंड बिग बूट के साथ ओनील ने यहाँ पे बेहोश कर दिया स्ट्रोमैन को। काउंटडाउन फिर चालू, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कौन आएगा अब देखते हैं भैया। नंबर 15 पे वी हैव मिस्टर शो ऑफ डॉल्फ ज़िगलर। स्ट्रोमैन को उठाना बहुत ही मुश्किल, लेकिन पीछे से डॉल्फ ने मदद की उसकी, दोनों के दोनों हमारे पर चढ़ चुके। डॉल्फ अभी बहुत फ्रेश, हमें घसीटते हुए जा रहा है इधर से उधर, ये मुश्किल होने वाला है, आएगा भागते हुए, बाहर हो गया ये, हमें एलिमिनेट करने चला था एक ही मूव में, खुद बाहर हो गया, कोने में दबोच लिया स्ट्रोमैन ने उसको, ये पड़ा एक और उसके, एंड डॉल्फ बाहर बिलीव नहीं कर पा रहा उसके साथ क्या हुआ, लेकिन सिग्नेचर मूव अंदर पड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक से टाइटस ओनील ने किया रिवर्सल, हम लोग नेगेटिव मोमेंटम में, एंड दिस इज बैड, कोने में, ओ स्ट्रोमैन हैज बीन एलिमिनेटेड बाय ओनील। ये लोग बहुत कमाल कर रहे हैं भाई, नेगेटिव मोमेंटम में डाल के बाहर। शॉन माइकल्स द हार्ट ब्रेक के नंबर 16 पे, स्ट्रोमैन कांट बिलीव इट, टाइटस ओनील ने उसको एलिमिनेट किया है, हम लोग नंबर 19 लेने वाले हैं, हार्ट ब्रेक किट ने अंदर आते ही ठोकल है। मुझे लगता है HBK इस साल हो सकता है एक स्पेशल एंट्री, काफी अपीयरेंसेस मारी उसने पिछले साल, तो क्या पता है इस बार एक बार लड़ ही ले वो अच्छे से। HBK यहां पे टॉन्ट मारता हुआ सबका दिल जीतने वापस अंदर आ चुका है। टाइटस ओनील ने रिवर्सल मारा, लेकिन HBK के चुंगल से बच नहीं पाया। ओ स्टन गन का यूज करते हुए यहाँ पे टाइटस ओनील के पास सिग्नेचर मूव है, उसको बच के रहना पड़ेगा भाई, भरने तो दो एक बार, ऐसा हो ही नहीं रहा कि यहाँ पे भर जाए पूरा रिंग, यहाँ एक एक वन ऑन वन टिकने ही नहीं दे रहे ये लोग। ये मारा सर कोने पे, यहाँ पे एलिमिनेशन चालू टाइटस ओनील का, टॉप रोप पे बैठा दिया उसको प्यार से, क्या HBK कर पाएगा ये, धकेलने की पूरी कोशिश उसके तरफ से,
टाइटल से उन्हें पूरा स्ट्रगल करता हुआ विल ही सर्वाइव दिया उसने उसके कान पे मुक्का अंदर आते लेकिन एचबीके ने मारा उसको हाथ एंड उसके पास सिग्नेचर मूव ही ऑन द टॉप रोप एंड दे दिया उसने अपना सिग्नेचर एल्बो ड्रॉप एक और एल्बो ड्रॉप नीचे आके एचबीके के पास है उसका फिनिशिंग मूव दोनों बंदों के पास है एंड काउंटडाउन चालू 3, 2, 1 इट्स बॉबी लैशली और नंबर 17 The Intercontinental Champion number 17 पे आते हुए and what a switch in music! इतना खतरनाक switch in music बंदा eliminated. Lashley finishing move लेके आया अपने साथ. What is happening? Champion के पास एक finishing move and HBK पे वो टूट पड़ा है. वो दिखाना चाहता है HBK के लिए कोई भी जगह नहीं अब. उसका time चला गया. अब Lashley का time है यहाँ पे. The big guy चांटे खाते हुए HBK यहाँ पे ब्लड बस्टर देते हुए अमेजिंग मूव्स आ रहे चारों तरफ से टांग पकड़ के दूसरी तरफ घुमाया एक दूसरे पे वार एक वो मारता है तो दूसरा दो मारता है कोने में लटका दिया HBK इन ट्रबल एंड क्या करेगा बॉबी लैशली फिनिशिंग मूव फिनिशिंग बड़ा सा क्लोज लाइन टू एलिमिनेट हार्टब्रेक किड एंड अब We have the countdown again. कौन आएगा अब यहाँ से? Xavier Woods number 18 पे. लेकिन Lashley ring के अंदर अकेला. भाई ऐसा scenario भी हो सकता है. लोग ऐसे eliminate करते जाए, तो ring कभी भर ही नहीं पाएगा. एक और New Day का part. लेकिन तीनों के तीनों एक साथ अंदर नहीं हो पाए New Day वाले. यहाँ पे उनके लिए disadvantage हो गया. Xavier Woods ने Lashley को कोने में पटका यहाँ पे मुक्के मारना स्टार्ट किया उसको वीक करने की कोशिश लेकिन Bobby Lashley की ताकत अलग ही लेवल पे Xavier Woods अपना बेस्ट देते हुए कोने में दबोच के मुक्के पे ले इसने ओ Lashley ने उसकी टांग रोक ली सुपर स्ट्रेंथ के साथ पीछे Xavier यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज लेते हुए मुंह पे लातों की बरसात एंड पेट पे पड़ी इस बार दे धनादन Lashley is going ham on everyone. Woods in trouble. एक और को आना पड़ेगा रिंग को थोड़ा भरना पड़ेगा तब जाके सारी फाइट इधर उधर होगी नहीं तो ये तो सीधा ही एलिमिनेट करने की सोच रहा है वो बहुत ही समझदार का काम किया यहाँ पे Xavier ने उसकी टांग पे वार करके उसकी मोबिलिटी को थोड़ा सा वीक करने की कोशिश लेकिन क्या सुप्लेक्स था एक्सप्लोडर सुप्लेक्सेस इतने प्यासे इतने आराम से एंड वुड्स ने तो कोना पकड़ लिया एंड घुटना पड़ा सीधा उसके छाती पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे एंड Bobby Lashley ने यहाँ पे उठा लिया फॉर दैट फिनिशिंग मूव लुक एट दैट पोस्चर नंबर 19 पे वी हैव Randy Orton द वाइपर बूम उसने वापस आते ही स्मैकडाउन में धमाका मचा दिया एंड पीछे से पटका उसने Xavier Woods पे बहुत ही कड़क ड्रॉप किक कोई मेरे पास नहीं आएगा Randy Orton बहुत ज्यादा गुस्से में एंड सुप्लेक्स देने की कोशिश Bobby Lashley विद द रिवर्सल अबे यार ये लोग नेगेटिव मोमेंटम में डाल के फेंक ही देते हैं उसके बाद को हमें ओहो हेड सीजर्स में डाला एंड दे धनादन सर पे वार Xavier पूरे मजे लेते हुए अब जब कोई और अंदर आ चुका है Xavier यहाँ पे Bobby Lashley को एलिमिनेट करने की कोशिश में भागते हुए गया एंड एलिमिनेट कर भी दिया उसने Xavier कमाल करते हुए अब अचानक से यहाँ पे उसने हमारा हाथ मरोड़ा Randy को यहाँ से निकलना बहुत जरूरी उसने पंचेज मारना स्टार्ट किया यहाँ पे दे धनादन मुंडी पकड़ ली वुड्स की नेक ब्रेकर के लिए ये भी रिवर्सल हो गया लो भाई फिर नेगेटिव मोमेंटम में मत बोलना यार मुझको अरे भाई 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 ये तो हेड लॉक करके मार मार के बुरा हाल कर रहे मेरा Xavier Woods के पास आ चुका है सिग्नेचर मूव Randy Orton अब ट्रबल में और भी सुपरस्टार्स का आना बाकी है अब तो नंबर 20s में पहुंचने वाले हम लोग आखिरी के कुछ बंदे एंड क्या किक मारी है क्या सुपर किक थी यहां पे आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी है नंबर 20 में वी हैव Zack Ryder द हाइप आण दो भैया आण दो Zack Ryder अंदर आ चुका है Randy Orton की हालत खस्ता एंड यहाँ पे मुक्को की बरसात ये घूम के मारा उसने खल्लास कर दिया Randy को उसने
जैक राइडर एंड वुड्स अब लड़ने लगे। ओ जेवियर वुड्स विद अ हरिकन राना, व्हाट क्या खतरनाक मारा है इसने उसको। यहाँ पे मेरी वाट लगी पड़ी है, क्या करे भैया, कूद के लूट है स्ट्रेस दे दनादन। वुड्स को वहीं पे चका चका करके मारा है इसने। लेकिन जेवियर के पास यार फिनिशिंग मूव है, सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है हमारे पास। मारोगे कैसे, हराओगे कैसे इसको, हराओगे कैसे। जेवियर वुड्स पे फटाफट हाथ पांव बजाते हुए यहाँ पे बड़ा सा मूव, एंड लुक एट दैट नेक ब्रेकर, पीठ पे उठा के दिया है ये तो, पीठ पे उठा के दिया है। सिग्नेचर मूव हमारे पास रेडी है, ये पकड़ा बंदे को रोप्स के बीच में डाला, टॉप रोप से ही फेंकना है, बीच से नहीं। लेकिन डीडीटी थ्रू द रोप, कमाल का डीडीटी यहाँ पे। रैंडी ऑर्टन अब थोड़ा सा चौड़ में आ चुका है, टॉन्ट मारता हुआ अब वो वुड्स उठते ही दोबारा से हमारे क्लोज लाइन का शिकार बना। कोने में हो जा बेटा, कोने में हो जा, आज रे मिस्टीरियो नंबर 21 पे। व्हाट द हेल, इट्स हुया का मिस्टीरियो। 619 की बरसात होगी अब मुझे लगता है यहाँ पे। रे मिस्टीरियो एंड रैंडी के बीच में बहुत पंगे चल चुके हैं। रे मिस्टीरियो ने आते ही इसकी टांग पकड़ी एंड घुमा दिया दूसरी तरफ। भाग लो भाग लो, रे मिस्टीरियो को भी मारने का मौका नहीं दिया यहाँ पे। लूथेस प्रेस दे दुबा दे दुबा, आओ लड़ लो तुम दोनों एक दूसरे से। अबे जेवियर हमारी तरफ आते हुए, बहुत बड़ी गलती कर दी जेवियर वुड्स ने यहाँ पे, बहुत बड़ी वाली। जेवियर वुड्स को घसीटना स्टार्ट किया अब हम लोगों ने, रोप्स की तरफ ले जाते हुए वहीं पे लटकाया। फिनिशिंग मूव हमारे पास है, कम ऑन ऑटन क्या कर रहा है। रे मिस्टीरियो पे ड्रॉप किक, रे मिस्टीरियो पे ड्रॉप किक, बहुत चौड़ दिखा रहा है रे मिस्टीरियो, उसको भी दबोच लिया है इनटू हिज सिग्नेचर डीडीटी मूव थ्रू द रोप्स, बैंगर, गजब का बैंगर। जेवियर वुड्स तालियां बजाते हुए पीछे से पकड़ के मार इसको, तेल है हमको मार रहा था सकल, वाइपर को मारेगा तू, वाइपर को, अभी तेरा सफाया करते हम लोग। फिर दोबारा उसके सर पे दे मारा वार करते हुए रोप्स की तरफ, लटका इसको यहाँ पे लटका। फिनिशिंग मूव यहाँ पे रैंडी ऑर्टन विद द एक्सप्लोडर सुप्लेक्स, बहुत ही कमाल का एलिमिनेशन। ओहो कहाँ है रे, और तू कहाँ मार रहा है। नंबर 22 पे समोआ जो, ये बनेगा सबके लिए ट्रबल, एंड ये फेंका इसको दूसरी तरफ। ओ समोआ ने अंदर आते ही यहाँ पे बैंड बजा दी, रे मिस्टीरियो ने चाटा मारा। ये सबके सब बहुत ही बड़े राइवल्स, रे मिस्टीरियो एंड समोआ लड़ पड़े एक कोने में। रैंडी ऑर्टन सांसें भरता हुआ बहुत स्मार्ट खेलता हुआ इस पूरे मैच को अब। ओ रैंडी ऑर्टन उसको देख रहा था कि रे मिस्टीरियो को मिस कर दिया इसने, क्या कर रहा है ये रे मिस्टीरियो विद हर, क्या कहूँ इसके बारे में। ऐसे हरिकन राना तो भाई सही में चक्कर दिला दिया आपसे, लातों की बरसात ऑन समोआ जो। समोआ ने ताकत लगाई है, रे को फेंका पीछे की तरफ। रे मिस्टीरियो का एक ही डिसएडवांटेज, वो भाई बहुत ही लाइट वेट है। समोआ यहाँ पे कूद पड़ा विद कैनन बॉल, रे मिस्टीरियो को पिचका दिया उसने। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होते हुए ऑर्टन बैक ऑन हिज फीट, एंड रे मिस्टीरियो ने किया यहाँ पे सब कुछ उल्टा, रे मिस्टीरियो को पीछे से पकड़ लिया। रैंडी ऑर्टन भाई हर समय फायदा उठाता है। समोआ पे लात मारी, सिग्नेचर मूव लगाने की कोशिश, अब समोआ की बारी थ्रू द रोप्स, उसको भी डाला हमने। बहुत क्लोज आ गए हम लोग एंड के, क्या रैंडी ऑर्टन फिर दोबारा रॉयल रंबल जीत सकता है, वो पहले भी जीत चुका है। एंड नंबर 23 पे दी एजिलिटी के साथ कोफी किंगस्टन, न्यू डे का तीसरा मेंबर, बूम दोनों को एक साथ अटैक किया यहाँ पर। समोआ शायद उठने की कोशिश कर रहा है, रैंडी उसको मौका ही नहीं देगा आपको, उठाया लेकिन समोआ का वेट कुछ ज्यादा ही, फिर रिटेलिएट्स एंड घूम के उसने पूरा घुटना तोड़ दिया हमारा। ओप्स हम लोग फिर नेगेटिव मोमेंटम में, नहीं समोआ ने हमको लटका दिया यहाँ पे, भागते हुए आया। रैंडी ऑर्टन भी एलिमिनेट हो चुका है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। रंबल में डिफिकल्टी बढ़ाने का यही घाटा है भाई,
सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है. हम लोग नंबर 27 लेने वाले टू बी सेफ. एंड समोआ जो मिस्टीरियो जो तहलका मचा चुके हैं अंदर, जो पटक रहे एक दूसरे को यहाँ से वहाँ. कोफी अभी नया नया है, उसके पास पूरी जान है, वो पटक सकता है लोगों को, स्पीड है उसके पास, वो बच सकता है चीज़ों से, बाहर जाने से बच सकता है वो. रे मिस्टीरियो ने उसको काउंटर किया एंड ड्रॉप किक टू द चेस्ट. समोआ ने दो प्यार से कोना पकड़ा अपना एंड मिस्टीरियो के पास फिनिशिंग मूव. वो अकेले ही पूरा तहलका मचा सकता है, उसने लगा दिया फिनिशिंग मूव हरिकेन राणा के साथ. कोफी किंगस्टन को बाहर, उसको मौका भी नहीं मिला अपने आप को बचाने का. लेकिन अब समोआ जो उसके रेडार में, रे मिस्टीरियो हर एक को एक एक करके एलिमिनेट कर रहे हैं. ओ समोआ जो को वो एक मूव में एलिमिनेट नहीं कर पाया. नंबर 24 पे हीथ स्लेटर. हीथ स्लेटर को भी मौका मिल गया इन द रंबल, ही इज बैक इन दैट. एंड नंबर 24 पे इतनी अच्छी पोजीशन पे, ये सर घुमाया, ये दूसरी तरफ. रे मिस्टीरियो ने उसको टिकने ही नहीं दिया अपनी टांगों पे. सिग्नेचर मूव मिस्टीरियो के पास, क्या करेगा वो. समोआ के पास फिनिशिंग मूव, उसको बच के रहना पड़ेगा. समोआ पूरा कंसंट्रेशन बनाते हुए गया वो सीधा मिस्टीरियो की तरफ. मिस्टीरियो का जॉब ब्रेकर, रिवर्सल्स, काउंटर अटैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मैच में. रे मिस्टीरियो ने उसको कोने में दबोच लिया है, फिनिशिंग मूव लगाया एंड समोआ इस बार एलिमिनेट हो चुका है मिस्टीरियो के हाथ से. मिस्टीरियो भी एक फेवरेट है टू बी द रॉयल रंबल विनर एंड वो करके दिखाएगा मुझे लगता है. यहाँ पे क्या जबरदस्त घुमा घुमा के फेंक रहा है वो लोगों को, इतनी फुर्ती कहाँ से आती है इसके अंदर. यही करेगा लूचा डॉर कमाल. हिट स्लेटर बिल्कुल चित पड़ चुका है मिस्टीरियो के सामने, लेकिन मिस्टीरियो की हालत काफी पतली, इतने लोगों से लड़ चुका है वो पहले ही. काउंटडाउन चालू, कभी भी हो सकता है एक और रेसलर इस मैच को एंटर करेगा किसी भी समय. हीथ स्लेटर लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रबल में. रे मिस्टीरियो एक एक करके सबको बाहर पटक रहा है ओवर द टॉप तो. एंड टाइमर स्टार्ट, यहाँ पे हीथ स्लेटर बाहर की तरफ लटक चुका है, लेकिन रे मिस्टीरियो ने छोड़ा नहीं उसको, लात बजाने की कोशिश एंड ही इज बैक इन द मैच. स्लेटर के अंदर अभी भी थोड़ी जान. नंबर 25 पे स्पेशल एंट्री, वी हैव द रॉक, रॉकी माया. रॉक अंदर आ चुका है, क्या बात है, क्या वो भी मूवीज छोड़ गए. विल ही बी बैक वन लास्ट टाइम रेसलमेनिया मोमेंट बनाने के लिए अपना ऑन रॉयल रंबल. क्या किक मारी हीट सेटर ने. ये नए लौंडे अब इन वेटरन्स को टिकने कहाँ देंगे. ये मारी रॉक को लात है बिल्कुल रिंग के बीचों बीच डीडीटी. रे मिस्टीरियो ने फायदा उठाया, फिर दोबारा गर्दन पे चढ़ के दूसरी तरफ पटका. अमेजिंग यार, अमेजिंग. जिस मोमेंटम से ये सारे मैचेस होते हैं मजा आ जाता है भाई. हर कोने में एक एक्शन हो रहा होता है. रे मिस्टीरियो विद अनदर एलिमिनेशन. ये तो भाई लोगों की चटनी बना रहा है. बच गया रॉक से. रॉक वर्सेस रे मिस्टीरियो, ये कहीं और नहीं देखने को मिलेगा हमें. रॉक नेगेटिव मोमेंटम में, मिस्टीरियो के पास फिनिशिंग मूव. वो चाहे तो रॉक को खत्म कर सकता है एंड लात बजानी स्टार्ट करी उसने. उसके सामने साइज उसका छोटा होगा लेकिन जान बहुत बड़ी है उसकी. ओ सुपर मूव, सीजर लॉक करके ये तो भाई सबको घुमा रहा है. रॉक अब तकलीफ में है लेकिन अचानक से रिवर्सल आया. द मोस्ट इलेक्ट्रिफाइंग एंटरटेनर इन WWE. ऊपर रखते हुए उसको, रॉक की ताकत देखिए, सीधा एलिमिनेशन के लिए जा रहा है वो. काउंटडाउन स्टार्ट, 2-1. नंबर 26 पे डीन एम्ब्रोस, द बैड बॉय, द लुनाटिक फ्रिंज. नंबर 26 पे बहुत अच्छे पोजीशन में आया वो. इसके पास भी अपॉर्चुनिटी आप देखा जाए तो. एंड रॉक को मारने की कोशिश, लेकिन रॉक ने सब कुछ छित कर दिया रिंग के बीचों बीच. डीन एम्ब्रोस तकलीफ में, यहाँ पे सुप्लेक्स पड़ा उस पे एंड पटक गया. मिस्टीरियो ने अब थोड़ा सा रेस्ट लेने का सोचा है. एम्ब्रोस एंड रॉक के बीच में फाइट होते हुए ये मैचअप कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे हमें. कमाल की फाइट, जबरदस्त लड़ाई. मिस्टीरियो दबोच लिया रॉक ने एम्ब्रोस को बहुत ही प्यार से, मुंह पे वार करते हुए विद अ डबल एक्स हैंडल. द रॉक काफी मोमेंटम बढ़ा चुका है, उसके पास सिग्नेचर मूव एंड उसने दे दिया अपना सिग्नेचर स्पाइन बस्टर. मिस्टीरियो ने अब उसको पकड़ा, उसके पास भी एक सिग्नेचर मूव है. क्या करेगा वो, घसीटते हुए जा रहा है रोप्स की तरफ उसको.
मौका ही नहीं देंगे आज ये लोग मिलके। ओ द लूनाटिक को मारने की कोशिश, एक बार उसका पागलपन जाग जाए तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे रॉक ने लगा दिया अपना फिनिशिंग मूव एंड रे मिस्टीरियो को एलिमिनेट कर दिया। क्या पटका है उसको, एम्ब्रोज ने पीछे से फायदा उठाया एंड रॉक को सूख सलाम देते हुए। काउंट डाउन फिर चालू दोस्तों, अब कौन आएगा आफ्टर डीन एम्ब्रोज। एंड ये बजी घंटी नंबर 27, ड्रू मैकइंटायर आ गया भैया हमारा बंदा। एंड ये भी लग रहा है, पॉसिबल लग रहा है मुझको कि ड्रू मैकइंटायर शायद चैंपियन बन जाए इस बार। क्या ड्रॉप किक मारी डॉल्फ ने हमारी तरफ बढ़ता हुआ। ओबे डीन क्यों ले रहा है हमसे पंगा, क्या ब्लॉक किया हमने एंड पंच वापस उसी के मुंह पे। ले भाई ड्रू मैकइंटायर अंदर आते ही अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी चौड़ दिखाते हुए, लेकिन डीन एम्ब्रोज ने रिवर्सल किया। डीन एंड मैकइंटायर के बीच में भी काफी पंगा रह चुका है, हम नेगेटिव मोमेंटम में चले गए फिर दोबारा। अरे बॉय साहब पंच और नी के बीच में फंसाया, रॉक ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया एम्ब्रोज पे। ये ले भाई धक्का, रॉक पे पड़ा दूसरा धक्का लेकिन उसने कर दिया सीधा नी पे वार। ओ पीछे से लात मारने की कोशिश फिर नाकामयाब। रॉक ने हमारा सर पकड़ लिया है, कहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है ये। ओ ताकत देखिए उसकी, एक और फिनिशिंग मूव के साथ ड्रू मैकइंटायर को बाहर कर दिया उसने। व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर, व्हाट, ये तो हमको टिकने ही नहीं दे रहे। नंबर 28 ले लिया हम लोगों ने, लेट्स सी कौन आता है अंदर। ओ रॉक तो भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऐसे जंप्स मार रहा है, ऐसे स्टैंड अप्स मार रहा है ये। एंड नंबर 28 पे वी हैव जेफ हार्डी, दी हार्डी बॉयज का पार्ट। क्या करेगा जेफ हार्डी, क्या वो अपने सुपर हाई फ्लाइंग मूव से कमाल कर सकता है। रॉक के पास सिग्नेचर मूव है, ले भाई रॉक के ऊपर बुलडॉग। रॉक ने कुछ ज्यादा जबरदस्त काम नहीं कर दिया यहाँ पे, अबे यार कुछ तो करने दे हमको। टांग तोड़ दी उसने जेफ हार्डी के अंदर आते ही, ये तो कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रिफाइंग हो गया भैया। पेट पे लात मारी, रॉक इन ट्रबल, जॉ ब्रेकर, जबड़ा तोड़ मूव यहाँ पे रॉक के ऊपर। दे धनादन बम पे लात, दे टकले पे इसके। जेफ हार्डी बिल्कुल केयरफुली खेलने की कोशिश कर रहा है इस मैच को, हाथ घुमाया उसने, रिवर्स लेग स्वीप। जेफ हार्डी सीधा टॉप रोप की तरफ, हाई फ्लाइंग मूव उसकी तरफ से एंड पूरा अटैक मिस, बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पे। एंड रॉक ने हमें इलेक्ट्रीफाइंग चेयर के साथ पीछे फेंका। डीन एम्ब्रोज बीच में हमें इंटरप्ट करते हुए उसने रॉक की गुद्दी पकड़ी, कोने में ले गया। एम्ब्रोज के पास फिनिशिंग मूव, उसने लगा दिया फिनिशिंग मूव एंड रॉक हैज बीन एलिमिनेटेड। यहाँ पे ये डांस करता हुआ एंड पटका हमने, ये डीन भी गया एक कोने के अंदर, ये मारा भाई। नंबर 29 और नंबर 30 की तो चांदी हो गई है। अब फिनिशिंग मूव आ चुका है जेफ हार्डी के पास, क्या करेगा वो। 6-5-4, अब है एम्ब्रोज नंबर 29 पे, ब्रे वॉयट द ईटर ऑफ वर्ल्ड्स कम बैक मारते हुए यहाँ पे। एंड क्या रिवर्सल था, मान गए उस्ताद, ब्रे वॉयट टॉन्ट मारते हुए एंड जेफ ने फायदा उठाया, कूद पड़ा वो उस पे। फिर दोबारा टॉप रोप की तरफ टॉन्ट मारा उसने ब्रे वॉयट को, इसको उड़ना पसंद है एंड खुद ही मार खाता रहता है। इतना रिस्क लेगा तो होगा यही, ब्रे वॉयट ने उसको कोने में सर दबोच के मारना स्टार्ट कर दिया, बच गए हम लोग। 13 सर दे मारा इसने, अरे 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 यार चटनी बन रही है मेरी तो, चटनी बन रही है मेरी तो। ओके सब लोग एलिमिनेट हो गए यहाँ पे। नंबर 30 पे वी हैव आर ट्रूथ, नंबर 30 तो हमको पता ही है आर ट्रूथ होने वाला है यार, इतना हार्ड करके मैं खुद नहीं टिक पा रहा है बिल्कुल भी किसी के साथ। ओ डीन एम्ब्रोज विद द एलिमिनेशन, उसने ब्रे वॉयट को फेंक दिया, वाओ सिर्फ लास्ट के दो अपोनेंट्स बचे हैं, आर्ट्रूथ वर्सेस डीन एम्ब्रोज।
आठ नंबर 30 पे आता हुआ डीन एम्ब्रोस का वेट करता हुआ, वन ऑन वन फाइट है ये तो यार, नो चांस। एंड एम्ब्रोस ने अंदर आते ही पकड़ लिया हमको, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। क्या आर्ट्रूथ के पास चांस है? मिक्स मैच चैलेंज जीता उसने कार्मेला के साथ, उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है नंबर 30 पे आके, उसने किया रिवर्सल एंड डीन एम्ब्रोस की बजा दी उसने। डीन एम्ब्रोस पे पूरी तबाही मचाने की कोशिश करेगा, क्या आर्ट्रूथ सही में रॉयल रंबल जीत सकता है विद दैट नंबर 30 पोजीशन? बहुत मुश्किल होगा, कहना बाहर फटक दिया इसने, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एलिमिनेशन चालू हो चुका है, ताकत पूरी लगा रहा है अपना आर्ट्रूथ बचने की। And he escaped it. ये मारा पेट पे उसने, फटाफट घुसना पड़ेगा भाई, लुनाटिक फ्रिंज पागल होते जा रहे हैं धीरे धीरे जितना ही मैच लंबा हो रहा है। एंड बहुत ही अच्छी पटकी यहाँ पर, बहुत ही कमाल की पटकी। आर्ट्रूथ अपना मोमेंटम बढ़ाने की कोशिश में, लेकिन सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है। बूम, डीन एम्ब्रोस विन द रॉयल रंबल विनर डीन एम्ब्रोस द लुनाटिक फ्रिंज, जो जाएगा सीधा रेसलमेनिया की तरफ। व्हाट अ विक्ट्री, मैं आया भागते हुए, इसने तो पूरा रिवर्सल कर दिया, कमाल की विन फॉर डीन एम्ब्रोस। आई थिंक पॉसिबल है ये सिनेरियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ये था आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को इस रॉयल रंबल में मजा आया। मुझे लगता है मेरा प्रेडिक्शन होगा इस मैच के लिए कि सेथ रॉलिंस विल विन द रॉयल रंबल दिस ईयर। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए, आपको क्या लगता है कौन स्पेशल एंट्रीज होंगी, किसका कम बैक होगा, क्या हो सकता है इस रॉयल रंबल में, सब मुझे कमेंट्स में बताना। लाइक ज़रूर ठोकना फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर, तब तक के लिए बाय बाय।